देखिए राष्ट्रपति जी का आज सायंकाल यहाँ पर आगमन है। स्वाभाविक रूप से पूरा गोरखपुर और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति जी के आगमन के प्रति बड़ा उत्सुक है। उनके स्वागत के लिए बड़ा ही यहाँ पर उतावला है। इस दिन से यहाँ पर व्यवस्था देखने और उसका निरीक्षण करने के लिए मैं अभी आया हूँ। राष्ट्रपति जी की यह विजिट यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के विकास के लिए अत्यंत प्रेरणादायी होगी। इस दिन से जो है यहाँ के नागरिकों में बड़ी उत्सुकता है। कल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का जो है मुख्य समारोह है, उस मुख्य समारोह में गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति जी का आगमन है। उनका सानिध्य प्राप्त महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त होगा और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में की थी। शिक्षा परिषद को पल्वित और पुष्पित करने में ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का एक लंबे कालखंड तक सानिध्य प्राप्त हुआ। आज लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सीय सेवा से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कर रही है। कल उसके मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक कार्यक्रम अत्यंत ही प्रेरणादायी होगा। इस दिन से पूरा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए पूरी तरह उत्सुक और उतावला है।